नमस्कार, मैं लोकेश एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दर्शकों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बस 9 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल, मोदी सरकार पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाती। साहित्य सम्मेलन अध्यक्ष 5वीं लेखिका अरुणा ढेरे। भीड़ में रात को ही अकाल का परीक्षण। आपने कई महीनों से एक खास बात सुनी होगी कि पेट्रोल डीजल में गिरावट होगी। मोदी जी ने बैठक भी ली पेट्रोलियम और उन्होंने कहा था कि यहाँ साफ साफ पेट्रोल डीजल में वृद्धि होगी, लेकिन बस 9 पैसे पेट्रोल में वृद्धि हुई है। बाकी पेट्रोल तो उतना ही महंगा है। अगर पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो पेट्रोल डीजल 40 से 60 रुपए या 50 रुपए तक मिलेगा, लेकिन पेट्रोलियम ने यह जानकारी दी थी, मोदी सरकार ने नहीं। ये शुभ काम मोदी सरकार ने क्यों नहीं किया? जनता जो इतनी परेशानी में है, जो इतनी महंगाइयों से जूझ रही है, आखिर इनका क्यों इलाज नहीं करती मोदी सरकार? साहित्य सम्मेलन अध्यक्ष पक्ष के लिए चुना गया महान कवित्री लेखिका अरुणा ढेरे को। यह 92 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से लेखिका अरुणा ढेरे, इनका नाम महामंडल के अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी इन्होंने इस सम्मेलन में दर्शाया। सम्मेलन अध्यक्ष पद के लिए बहुमान मिले हुए अरुणा ढेरे यह 5वीं महिला लेखिका है। हाल ही में 140 तहसील सूखे घोषित किए थे केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन अब भाजपा सरकार का प्रभाव देखिए। यह अधिकारी और उनके कर्मी रात को ही पानी से पड़ा अकाल, इन जमीनों का परीक्षण करने निकल गए। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।